बिलासपुर से पहली बार मंत्री बनने के उपरांत पधारे हिमाचल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कमियों व खामियों को दूर करेंगे और विभाग के कार्यों को गति देंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करते हुए ये जिम्मेवारी सौंपी है, जिसे मैं बखूबी निभाते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग हर घर तक जुड़ा है और उनका प्रयास ये रहेगा कि आम आदमी को इस विभाग से हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो तथा किसी प्रकार की कमी हो तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो संकट आया है उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की विस्तृत योजना पर कार्य किया है और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार ये योजना नवंबर तक चलाई जा रही है, जिसमें हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मुक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यही प्राथमिकता रहेगी कि प्रदेश में हर आम आदमी को इस विभाग की ओर से दी जा रही सुविधा सरल तरीके से उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि गांव के गरीब किसान मजदूर और बेसहारा लोगों के लिए जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उन्हें पूरी ताकत लगाकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं पत्रकार वार्ता के बाद उन्हें बिलासपुर प्रेस क्लब की ओर से शॉल टोपी देकर सम्मानित भी किया गया। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और लगातार लोगों को जो सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सस्ता राशन अक्सर हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, आगे भी किस तरह से प्रयास जारी है? आगे भी इसी तरह से प्रयास जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह से आपकी रणनीति सोची है आपने जो आगे के लिए, कुछ उसके ब्रीफ करना चाहेंगे सर? अभी विभाग का नया नया दायित्व मिला है, विभाग की सारी बातों को समझूंगा पहले और समझने के बाद जो भी करनी है बातें उनको किया जाएगा।